नमस्ते दोस्तों, हमारा चैनल है विट्ठल डिजिटल और मैं हूं आपके साथ विष्णु कदम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रॉ फोटो फॉर्मेट को जेपीईजी फोटो फॉर्मेट में एक ही सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। अपने ही कैमरे में रॉ फॉर्मेट से शूट किया हुआ फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में कैसे एक ही पल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। तो दोस्तों, अभी मेरे पास निकॉन का D7200 है, उसको VR का 18-140 का लेंस लगे वाला है। तो दोस्तों, मैं अभी एक इमेज कैप्चर कर लेता हूँ, वो रॉ फॉर्मेट में होगी और बाद में हम देखेंगे कि कैसे एक ही सेकंड में हम रॉ फॉर्मेट से जेपीजी फॉर्मेट में इमेज को कन्वर्ट करें। ये रॉ में मैंने फाइल कैप्चर कर ली। ये मेनू में, पहले हम मेनू में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद में जो रीटच मेनू है, ये रीटच मेनू में जाने के बाद में NEF रॉ प्रोसेसिंग, इसमें हम जाएंगे। और इसमें जाने के बाद में ये जो सारी इमेज है ये रॉ फॉर्मेट में है। इसकी जो आखिरी की इमेज है, ये आखिरी की इमेज हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस पर जाके हम ओके कर लेते हैं, ये ओके करना। और इसमें जो है फाइन क्वालिटी, लार्ज क्वालिटी, इसका वाइट बैलेंस और इसका एक्सपोजर भी आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इमेज आपकी जो इमेज है ये इसमें है, रॉ फॉर्मेट में है, तो आपको एक्सपोजर भी चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये मैंने एक्सपोजर भी और वाइट बैलेंस भी सेट कर रहा करके रखा है। तो इसमें बाद में ये EXE यानी एक्सपोर्ट करने का एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन में हम जाके ओके कर लेते हैं। तो कैसे फटाक से आपकी जो इमेज है वो सेव हो गई है। ये फाइन की जेपीजी फॉर्मेट फाइन का है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे विट्ठल डिजिटल इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, शेयर करना मत भूले और साथ में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि जैसे ही हम नए वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।